नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार दुनिया के 80 और भारत के 85% मखाने का उत्पादन करता है। कोरोना संकट काल में लोग अपनी और परिवार की इम्यूनिटी के प्रति काफी सजग हो गए थे। इसका असर यह हुआ था कि पोषण से भरपूर मखाने की डिमांड काफी बढ़ गई थी। जब कीमत बढ़ी तो मखाना उत्पादन के प्रति लोगों की ललक भी भरी। इसके बाद बिहार में मखाने के उत्पादन में 10-20% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। मखाना का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन सुचारू बाजार व्यवस्था नहीं होने और कोरोना संकट टलने के बाद मखाने की घटती डिमांड ने अब मखाना उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। लंबे समय तक हथियारों का प्रमुख आयातक देश रहा भारत, अब तेजी से रक्षा क्षेत्र में निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर है। वहीं 50,000 करोड़ के अन्य ऑर्डर पाइपलाइन में है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की बेटी की आज शादी है। बिहार में यह शादी किसी सेलिब्रिटी की शादी की तरह चर्चा में ही है। जेल से पैरोल पर बाहर निकले आनंद मोहन सिंह की बेटी की शादी को उनका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। यह शादी बिहार की ग्रैंड शादियों में से एक होगा। करीब 10-15 हजार लोग इस शादी में शिरकत होंगे। शादी में बिहार के सियासी दिग्गज, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह समेत सभी दलों के नेता के पहुंचने की बात कही जा रही है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेट जारी है। इनकम टैक्स ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी पर छापेमारी भी की है। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व को समर्थन करते हैं। पीएम मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पिछले 22 घंटे से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। बिहार के सीमांचल का सबसे पिछड़ा माना जाने वाला किशनगंज जिले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों को पक्का मकान दिलाने के सपने को पूरा करने में बिहार ही नहीं पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले ने बिहार का नाम रोशन किया है। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के लेने से बैंक और उनकी शाखा इनकार नहीं कर सकती। अगर किसी ब्रांच में सिक्के लेने से मना करे तो इसकी शिकायत रिजर्व बैंक और बैंक के उच्चाधिकारी से कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल रामविलास पासवान की संपत्ति पर चाचा और भतीजे दोनों दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यह कह रहे कि रामविलास की संपत्ति पर उनका अधिकार है, वहीं अब भतीजे चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा है कि बेटे होने के नाते रामविलास पासवान की संपत्ति पर उनका अधिकार है। श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा इस बार महंगी होने जा रही है। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के अंतर्गत सभी परिवहन कंपनियों ने ऋषिकेश में बैठक कर किराए में 5% वृद्धि का निर्णय लिया है। किराया वृद्धि का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया गया। अब अंतिम निर्णय परिवहन विभाग लेगा। सीनियर आईपीएस अधिकारी आईजी होमगार्ड विकास वैभव ने डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर पर गाली देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिस पर अब भागलपुर विधायक अजीत शर्मा विकास वैभव के समर्थन में उतरे हैं। विधायक ने कहा है कि कोई उच्च अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों को गाली गलौज करे यह कहीं से सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस और भारत की कूटनीतिक तकनीक साझेदारी के बारे में चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह बताया है कि दोनों नेता एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे आर्थिक विकास और बढ़ती साझेदारी के लिए अपनी साझा प्राथमिकताओं के आधार पर क्वाड जैसे समूह में काम करने के लिए भी तैयार हैं। आधार कार्ड की रेगुलेटरी बॉडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस तकनीक पर निवासियों के लिए नई सेवाएं शुरू की है, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। कस्टमर अपने आधार इनरोलमेंट नंबर या अपडेट स्टेटस, पीवीसी कार्ड की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त करने या एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी समय यूआईडीएआई के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक हाल ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तानी आतंकवाद का केंद्र रहेगा और यहीं से ही मध्य और दक्षिण एशिया तक अशांति रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी और सुरक्षा की लचर व्यवस्था के चलते ISIL, खुरासान, अलकायदा और तहरीक ए तालिबान जैसे आतंकी संगठन वहां आराम से अपनी जड़ें जमाए बैठे हुए हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की 31वीं एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंसेक्स मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है और देश आज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में देशों को टीके तैयार करने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन भारत ने कुछ महीनों के अंतराल में COVID-19 के लिए टीका तैयार कर लिया। नड्डा ने यहाँ झालूपारा इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 100 देशों को कोरोना वायरस के टीके भेजे, इनमें से 48 देशों को मुफ्त में मुहैया कराए गए हैं।
फिजी के पर्यटन स्थल नारी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हो चुका है। 15 से 17 फरवरी तक चलने वाले सम्मेलन में भारत समेत दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, कई सांसदों समेत भारत का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा ले रहा है। एयर इंडिया का अमेरिका के साथ ऐतिहासिक विमान खरीद सौदा को कई संगठनों ने बड़ी उपलब्धि बताई है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य अघि ने इस सौदे को दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी की ताकत का प्रमाण करार दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पुनर्संतुलन हो रहा है और वह युग पीछे छूट गया जब प्रगति का मानक पश्चिमीकरण को माना जाता था। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है और अगर तेजी से विकास करना है तो यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन भी हो। जयशंकर फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। भारतीय सेना के बेड़े में जल्दी मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर और मिसाइलें शामिल होने वाली है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया है कि सेना 95 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया है कि इन हेलीकॉप्टर के लिए हेलिना मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी जो दुश्मन के टैंकों को तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत एरोस्पेस क्षेत्र को नई गति प्रदान करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विमान इंजन के स्वदेशी निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। एरो इंडिया में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह एक सुनिश्चित करने का समय है कि भारतीय विमान स्वदेशी रूप से विकसित इंजन के साथ उड़ान भरे। रक्षा मंत्री ने देश के भीतर आवश्यक हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को पत्रकार लिखकर अदानी समूह द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और शेयरों में हेराफेरी की जांच करने की मांग की है। जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लिखे पत्र में मांग की है कि आरबीआई अदानी समूह को दिए गए अत्यधिक कर्ज और उसके भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करे। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित आगामी गैलरी में नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के रूप में फोकस में रहेंगे। मार्च के अंत तक जनता के लिए खोले जाने वाले इस गैलरी में पीएम मोदी के बचपन के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इन अनुभवों में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों और कई घरेलू परियोजनाओं की नींव रखी है। एक साल पहले एयर इंडिया ऐसी विमान सेवा थी जो घाटे में चल रही थी, लेकिन जैसे ही इसे टाटा ने खरीदा इसने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। आज स्थिति यह है कि एयर इंडिया 500 नई विमान खरीदने जा रही है जिस पर अब बोइंग और एयरबस से समझौता हो गया है। खास बात यह है कि इस समझौते के दौरान एयरबस व एयर इंडिया समझौते के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पीएम मोदी का वर्चुअल तौर पर उपस्थित होना और बोइंग एयर इंडिया समझौते के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की टेलीफोन पर बातचीत करना यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की उन्नयन कूटनीति का उदाहरण है। भारतीय नौसेना के लिए 100 स्वदेशी डेक आधारित लड़ाकू विमान तैयार किए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द ही इसे डिजाइन और विकसित करने का प्रस्ताव ला सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को बेंगलुरु में चल रहे एयर शो एयर इंडिया में इसकी जानकारी दी है। 2031-32 तक इसके नौसेना का हिस्सा बनने की उम्मीद है। भारतीय सेना तुर्की भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ अन्य तरीकों से भी मदद का समाधान ढूंढने में लगी हुई है। इसी क्रम में कैप्टन करण सिंह और सब पीजी सप्रे सहित सेना के एक टीम ने एक नेटवर्क स्वतंत्र रियल टाइम ट्रैकिंग और मैसेजिंग मॉड्यूल संचार विकसित किया है जिसका उपयोग सभी रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपनी टीम के सदस्यों और संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब इसी संचार प्रणाली का उपयोग तुर्की में उन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है जहां स्थानीय आबादी को राहत देने के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC द्वारा ज्यादा कीमत पर अडानी के शेयर खरीदने के मामले में भी जांच करने की मांग की गई है। जया ठाकुर की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले में 17 फरवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। भारतीय सेना पड़ोसी मुल्क चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई नई तकनीकों को शामिल करने पर विचार कर रही है। नई तकनीकों में खुफिया के साथ साथ टोही और निगरानी के लिए ड्रोन सॉफ्ट और हार्ड किलिंग के लिए काउंटर ड्रोन के साथ साथ कई नई टेक्नोलॉजी शामिल है। LAC पर खासकर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच काफी लंबे समय से गतिरोध चला आ रहा है। दिल्ली और मुंबई में अधिकारियों ने कहा है कि BBC की सहायक कंपनियों के इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश प्रसारक को पहले भी नोटिस दिए गए थे लेकिन उसने उनका अनुपालन नहीं किया और उनके मुनाफे को काफी हद तक डाइवर्ट कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म जारी किया है।
इस बार फॉर्म 2 माह पहले ही जारी हुआ है। हर साल अमूमन मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे जारी किया जाता है। ITR फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के लिए नए शेड्यूल में विवरण की जरूरत होती है, जैसे अधिग्रहण की तारीख, ट्रांसफर की तारीख, अधिग्रहण की लागत और आदि शामिल है। VDA से आय या लाभ अर्जित करने वालों को अब इन सभी विवरणों के साथ तैयार रहना चाहिए। कारोबारी और व्यक्तिगत करदाता इसे 31 जुलाई तक भर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के अधीन काम करने वालों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेज चल रही है। कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र की चेतावनी के बावजूद पुरानी पेंशन को कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में चुनाव को नजदीक देख विरोधी पार्टियों ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार नियमों का हवाला देकर इसे लागू करने से मना किया जा रहा है। पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर संसद में बयान भी दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बावजूद ऋण लेने वालों को अच्छी खबर देने के लिए केनरा बैंक ने उधार दरों में 15 आधार अंकों की कमी की है। एक नियामक बयान में केनरा बैंक ने बताया कि 12 फरवरी से इसकी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट बदल गई है। कई बार यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर किसी यात्री को अपने गंतव्य के लिए टिकट नहीं मिलता है तो रेलवे द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में अब यात्री इस पेनल्टी का भुगतान भी कार्ड के जरिए कर सकते हैं। इसे संभव बनाने के लिए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4G से जोड़ रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD शाकिर हुसैन, महमूद अंसारी, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर हुसैन, अनवर करीम खान, सुमित, अनवर हुसैन, अंशुप्रिया, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा और पप्पू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।